स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर एक्शन। दिस इज शिल्पा सरोज एंड ये हमारे लेक्चर का पहला वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम MPPSC का एग्ज़ाम जो कि जनवरी 2021 में, ठीक है, होने वाला है, उसका हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुक लिस्ट बताया थी आपको MPPSC की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम मध्य प्रदेश एक परिचय जो बुक है मैकग्रॉ हिल की, जो 9th एडिशन है, ठीक, किनके द्वारा लिखी गई, जितेंद्र सिंह भदूरिया और राकेश गौतम, ठीक है, ये इनकी बुक है। तो ये बुक और एक समग्र अध्ययन जो कि महावीर पब्लिकेशन की है, ठीक है, प्रोफेसर किशोर पटेल और मोहम्मद यूसुफ खान ने इनको लिखी है। तो ये दोनों क्यों हम मर्ज करके ये जो हमारा वीडियो है, वीडियो लेक्चर से ये लेके आए हैं हम, ठीक है। आप ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है वो ज़रूर देखें। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर इसको वीडियो को देखें, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे ये जल्दी ख़त्म कर दें, ठीक है, ताकि आपका जो है MPPSC की जो तैयारी है वो एक अपडेट हो जाए कि आप एग्ज़ाम के लिए, जब एग्ज़ाम के लिए आप बैठोगे तो एक आपको होना चाहिए कि हाँ आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी से हुई है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का बुक का जो हमने मर्ज किया है, ठीक है, उससे जो हमने मैटर निकाला है, ठीक है, वो हम देखेंगे और मध्य प्रदेश का हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं MP का सबसे पहला लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे MP का, ठीक है, मध्य प्रदेश का हम एक ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फाउंडेशन डे कब होता है MP का, मतलब कब ये गठित हुआ था, ठीक, MP। तो 1 नवंबर 1956, ठीक, और MP का कैपिटल क्या है, भोपाल, ठीक है। अब इसी का जो फाउंडेशन डे है उसका रीऑर्गेनाइजेशन डे कब हुआ ये हम देखेंगे। तो 1 नवंबर 2000 को रीऑर्गेनाइज हो गया था, ठीक, फिर से। तो ये याद रखिएगा, फाउंडेशन डे अलग है, रीऑर्गेनाइजेशन डे अलग है, ठीक है। अच्छा, तो MP ओल्ड नेम, MP का ओल्ड नेम क्या था, उसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले इसका ओल्ड नेम था, ठीक है, पुराना नाम जो था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार था, ठीक है। और नेमिंग ऑफ MP यानी मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अदर नेम ऑफ MP का अदर नेम देखेंगे, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं MP का मैप है, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा कुछ। अभी जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे ना, तब हम देखेंगे उसमें कैसे इसको लोकेट किया गया है, ठीक है, कहाँ ये लाई करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि MP का अदर नेम क्या है, MP को और किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही सारा है, चलिए ये करके देखते हैं। तो सबसे पहला है कि हृदय प्रदेश, ठीक है, इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि MP जो है वो सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल में लाई करता है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको और क्या नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ कोहिनूर, ठीक है। कोहिनूर का बताइए कि कहाँ पर, कमेंट करके बताइए, कोहिनूर की बात करें जब हम, तो कोहिनूर कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये लैंड ऑफ कोहिनूर MP को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका नाम है मिनी इंडिया, ठीक है, छोटी भारत, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है, लघु भारत, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सोयाबीन स्टेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यहीं पर इंडिया में, ठीक है, सोयाबीन स्टेट इसके नाम से। और होम ऑफ रिवर, ठीक, नदियों का घर मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नदियाँ यही हैं। उसके बाद तेंदू लीव्स के पत्ते जो होते हैं, जिसका टोबैको बनता है, ठीक है, वो लीव्स सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं तेंदू लीव्स स्टेट, ठीक है। अब देखेंगे और क्या नाम है जाना जाता है, टाइगर स्टेट से भी मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि बाघों का प्रदेश है ये, सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पर हैं, ठीक है। उसके बाद दलहन प्रदेश, ठीक, दलहन मतलब दाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यहीं मध्य प्रदेश में। उसके बाद जनजाति प्रदेश, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइबल जो है वो MP में पाए जाते हैं, इसलिए इसको जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट नेशनल पार्क यहीं पे मिलेंगे आपको, सेंचुरी भी यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये MP का मैप है, ठीक, MP का मैप है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए ये जो लाइन है, ठीक, नीचे वाली जो लाइन है, सबसे पहले ऐसे समझिए कि जैसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो हो गया लंबाई, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो नीचे से आपका दिख रहा है आपको ये लाइन, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड,
अगर तब भी दिक्कत हो रहा है तब ऐसे समझिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं। देखिए कोई भी सीनरी होता है ना, सीनरी तो सीनरी जैसे होता है, जैसे मान लीजिए यही है बोर्ड है, तो ये जो बोर्ड है ये ऐसे में अगर हम देखेंगे तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जो लंबाई होती है उसको वर्टिकल बोलते हैं, है ना। तो सीनरी से आपको याद रहेगा कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड यानी लंबाई, ऐसे लंबा में है तो लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल, ठीक। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड क्या होता है, ऐसे होता है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक। अब आप समझ लेंगे बहुत इजी से। देखिए जो लैटिट्यूड है वो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है तो उसको वो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और लॉन्गिट्यूड जो है वो ऐसे जा रहा है तो उसको वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। तो अब समझिए कि ये लाइन क्या हो गया, ये लॉन्गिट्यूड, ठीक, और जो नीचे हो गया ये लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। तो देखिए कि बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की। देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ठीक, यहाँ से जब हम लंबाई की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक, और जब हम ऐसे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसा समझिए कि लैटिट्यूड को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और लॉन्गिट्यूड को हम बोलेंगे वर्टिकल, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, या तो हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड को समझते हैं, लैटिट्यूड मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, लॉन्गिट्यूड मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है। लैटिट्यूड को हम कैसे पहचानेंगे, जब आप सीनरी देखते हैं ना तो सीनरी ऐसे होती है, ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लंबी में, ठीक है, वर्टिकल, जो वर्टिकल हो जाती है, ठीक है, पोर्ट्रेट कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि ये यहाँ पर 21 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक, और ये यहाँ पे है 0.74 डिग्री नॉर्थ पे। तो जब हम 21 डिग्री नॉर्थ पे है तो यहाँ पे हमारा लाइन यहाँ पे आ रहा है, अगर हम लंबाई में देखें तो यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे टच हो रहा है तो जब हम आगे बढ़ेंगे, 21 डिग्री नॉर्थ है तो 21.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से करते करते तो हमारा आएगा 21.6 जहाँ पे ये टच हो रहा है। तो वही लिखा है 21 डिग्री 6 नॉर्थ पे, 21 डिग्री 6 नॉर्थ पे ये टच हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया 21 डिग्री 6 नॉर्थ पे, आपका ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके जो ये पोर्शन होगा ना उसको हम देखेंगे कि इसका लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये हो गया, तो ये 21 हो गया, यहाँ 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना दिया, 26 डिग्री 30, यानी 26, अगर यहाँ पे 27 होता है तो यहाँ पे इनका 26 डिग्री 30 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये हाफ है ना, हाफ का डिफरेंस है बीच में, तो 26 डिग्री हाफ 30, यानी कि 26 डिग्री 30 नॉर्थ पे ये लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो पॉइंट था ये, और ये जो पॉइंट था, ठीक, ये और ये पॉइंट दोनों को हम देखेंगे क्या, लैटिट्यूड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, सॉरी गोल बनाना था क्या बन गया, जैसे ये आपका अर्थ है, तो अगर हम इस तरीके से देखें, ठीक, और इस तरीके से देखें, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो आपको क्या कहलाएगा, ये जो पोर्शन आपको कहलाएगा वो आपका लैटिट्यूड है, और ये जो पोर्शन है आपका ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक। जैसे कोई भी फ्रेमिंग आप लेके आते हो ना, ऐसे फ्रेमिंग लेके आए हो, तो ये कौन, इसका शेप कैसा है, क्या कहोगे आप, कहोगे ना कि लॉन्ग, ये लैटिट्यूड है मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक। और जब हम इस तरीके से कोई लेके आते हैं इस तरीके से ऐसा, तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया, यानी लॉन्गिट्यूड, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से, अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे अब, ठीक है, लॉन्गिट्यूड देखते हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूड जब देखते हैं तो ये पहले लिखते हैं इसको 74, 75, 76, 77, ये हो गया। चलिए तो फिर देखते हैं, हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहाँ कितने पे लाई करो, 74 डिग्री 9 ईस्ट,
से 82 डिग्री 48 ईस्ट में लाई करता है, ठीक है. देखेंगे कैसे, 74 डिग्री नॉर्थ है ना, तो 74 है. तो मान लीजिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे जब हम आते हैं, ठीक है, तो हमको ये लाइन देखना है, ठीक. ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कहाँ पे टच हो रही है, ठीक. तो 74 से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, 74.1 74.2 इस तरीके से 74.9 जहाँ पे आएगा, ठीक. ये देखिए, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये है 74 डिग्री 9 ईस्ट, ठीक. ये हो गया एक पता चल गया हमें. दूसरा है 82 डिग्री 48 ईस्ट. अब ये देखिए कैसे देखेंगे, ये जो पोर्शन है और यहाँ का जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहाँ पर टच हो रहा है, तो 82 डिग्री 48 बोला है ना, तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 30 होता है अगर, तो इसी के थोड़ा सा आगे होगा. यहाँ से अगर हम देखें ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पर टच हो रही है, तो ये हो गया आपका 82 डिग्री 48 ईस्ट, ठीक. ठीक है, तो ये हो गया आपका. तो इस तरीके से मैपिंग है इसका. जब हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, 21 डिग्री 6 नॉर्थ 26 डिग्री 30 नॉर्थ पे लाई करता है लैटिट्यूड, ठीक. लॉन्गिट्यूड कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पे. देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जब लॉन्ग लिखा ना, लॉन्ग मतलब लंबाई होता है, तो इसको समझ लीजिए आपकी क्या नाम है, पोर्ट्रेट में है ये, पोर्ट्रेट या फिर वर्टिकल, ठीक. अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ये हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक, हॉरिजॉन्टल में आएगा, जिस फ्रेमिंग से याद रखिएगा आप, ठीक है. तो ये हो गया, तो इस तरीके से. तो लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 74 डिग्री 9 ईस्ट से 82 डिग्री 48 ईस्ट तक है, ठीक है. अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसका एरिया कितना है एमपी का, ठीक है. मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है. इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल पूछ सकता है कि एरिया कितना है, 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है. अब हम देखेंगे कौन से स्टेट जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है. सबसे पहले देखेंगे यूपी, जो कि नॉर्थ में शेयर करता है. जैसे मान लीजिए मैप है मध्य प्रदेश का, ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे बनाया है रफली, ठीक है. तो मान लीजिए नॉर्थ की बात करें तो ऊपर में यूपी हो गया, ठीक है. छत्तीसगढ़ जो है वो ईस्ट साइड में है, यानी कि यहाँ पर आप समझ लीजिए इधर, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक. ईस्ट साइड में छत्तीसगढ़ हो गया. उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो साउथ में बोलता है, मतलब महाराष्ट्र जो है मान लीजिए यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र, ठीक. और कहता है गुजरात और राजस्थान जो है वो वेस्ट में है, ठीक. तो मान लीजिए गुजरात यहाँ पे है, अगर गुजरात इधर है, ठीक, तो राजस्थान इधर होगा, ये देखिए राजस्थान, ठीक. तो इस तरीके से यूपी नॉर्थ में है, छत्तीसगढ़ ईस्ट में है, महाराष्ट्र साउथ में है, गुजरात और राजस्थान वेस्ट में है, ठीक है. याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करता है. ऑप्शन में दे देगा आपको, इसमें से कोई और एक स्टेट दे देगा. जैसे मान लीजिए आपको दे दिया झारखंड, और झारखंड दे दिया कि बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो आप वहाँ पे गलत कर दोगे, ठीक, कन्फ्यूज हो जाओगे आप छत्तीसगढ़ और झारखंड में, ठीक है. तो इस तरीके से याद रखिएगा, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का मेजर लैंग्वेज क्या है, ठीक है. जो मेजर लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि सॉन्ग ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो सॉन्ग है वो क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है. और स्टेट का जो एनिमल है उसको बोलते हैं रॉयल स्टैग, ठीक. स्टेट का जो एनिमल है उसको रॉयल स्टैग, यानी कि बारह सिंघा बोलते हैं इसको, ठीक, बारह सिंघा, ठीक. फ्लावर जो है वो वाइट लिली फ्लावर है. सिंबल की बात करें अगर तो एन ऑर्ब, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ दिखता है, स्टेट का जो सिंबल है मध्य प्रदेश का उस तरीके से दिखता है, ठीक. इस जो पेटल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये 24 तरीके से 24 होते हैं, और एक साइड में आपका पैडी होता है, एक साइड में वीट होता है, ठीक है. बीच में आपका नेशनल एम्बलम बना है, ठीक है, बरगद के पेड़ से ढका हुआ है पीछे, ठीक. तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से कुछ होता है. अगर हम सिंबल की बात करें सर्कल में, ठीक है. बर्ड की बात करें तो एशियन पैराडाइज बर्ड है, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको दूधराज भी बोलते हैं, ठीक है. दूसरा है इंपीरियल नाइटिंगल, शाही बुलबुल, ठीक है, दो है ये और ये, ठीक है. ट्री है जो बनियाइन ट्री, ठीक है, याद रखिएगा. फिश की बात करें तो महासीर फिश, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. क्रॉप तो आप लोग जानते ही हैं, सोयाबीन सबसे ज़्यादा इसी के लिए जाना जाता है, सोयाबीन क्रॉप्स के लिए, ठीक है. तो ये हो गया स्टेट के कुछ नाम है, स्टेट फ्लावर, स्टेट सिंबल, ठीक है, स्टेट क्रॉप. अब हम बात करेंगे स्टेट ड्रामा की. तो मार्च जो है स्टेट ड्रामा, एक तरीके से एक टाइप ऑफ फोक थिएटर, ठीक है, विच इज़ फाउंड इन मालवा रीजन, जो कि मालवा रीजन से आता है.
ठीक है, तो ये हो गया। तो हम देखेंगे स्टेट गेम क्या है। ठीक है, जो राजकीय खेल है वो है मलखम। ठीक है, और फ्रूट की बात करें तो मैंगो है। राष्ट्रीय राजकीय डांस की बात करें, राजकीय नृत्य तो राई है जो कि बुंदेलखंड की है। ठीक है, और राजकीय नदी की बात करें तो नर्मदा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नर्मदा की आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, तो नर्मदा जो थी बहुत ही पवित्र नदी है। ठीक है, और उनके जो किनकी पुत्री है, राजा मैखल, एक राजा मैखल की पुत्री हैं, ये पुत्री थी। ठीक है, तो इनकी एक फ्रेंड थी जुहिला जो उनके साथ रहती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि राजा मैखल ने ये अनाउंस किया कि तो विवाह का जब समय आया, विवाह के जब वो लायक हो गई, तो राजा मैखल ने ये कहा कि भाई जो गुलाब कावली का फूल लेके हमारे महल में आएगा उससे वो उनका विवाह कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे गए, लेकिन कोई ला नहीं पाया और किसी से इनका हो नहीं पाया। लेकिन जब राजा सोनभद्र, ठीक, राजा सोनभद्र जब ये फूल लेके पहुंच गए, तो वो राजा मैखल ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम इनका शादी करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि नर्मदा ने, ये तो बात हो गई, ठीक है, लेकिन काफ़ी सब समय हो गया, तो नर्मदा को मतलब काफ़ी चिंता होने लगा कि मतलब एक बार उनको मिलना चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं। ठीक है, तो उन्होंने जुहिला को बोला कि ठीक है तुम ये संदेश लेके जाओ उनके पास। ठीक है, उनको बताना कि ऐसी ऐसी बात है। तो क्या होता है कि जुहिला जाती हैं और काफ़ी दिन हो जाते हैं, जुहिला का पता नहीं रहता कहाँ गई, ठीक है, कैसे हुआ। तो नर्मदा जो है उनके खोज में निकल जाती हैं। जब वहाँ पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं कि जुहिला जो है सोनभद्र के साथ देखती हैं। ठीक है, तो उनको बहुत ही आघात, बहुत ही दुख होता है अंदर से कि मतलब सब कि इनके प्यार के लायक नहीं है, उनके दिल में खोट है, उनकी फ्रेंड भी ऐसी निकली। ठीक है, और इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिल से मतलब बहुत ज़्यादा रूठ गई। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि नर्मदा जो है उल्टी बहती हैं। ठीक, नर्मदा जो है पहले बंगाल की खाड़ी में गिरना था, लेकिन अब क्या कहती हैं, अब अरेबियन सी में गिरती हैं, अरब की खाड़ी में। इसी वजह से है कि वो उल्टी वापस वो चली गई। ठीक है, तो इसलिए वो उल्टा बहने लगी। ठीक है, एक नदी ऐसी है जो नर्मदा उल्टी बहती है। ठीक है, तो अब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एमपी का राज्यसभा सीट कितना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे विधानसभा ही सिर्फ बॉडी है, यानी कि ये यूनिकैमरल है, यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी है। ठीक है, बाई कैमरल नहीं है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो पहला देखेंगे राज्यसभा सीट कितनी है, 11 सीट है एमपी में। लोकसभा सीट जो है वो 29 है। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जा चुका है कि राज्यसभा सीट बताइए या फिर लोकसभा सीट डायरेक्ट पूछ लेगा, ऐसे ऑप्शन देके आप 29, 30, 32 ऐसे करके। याद रखिएगा 29 है ये, राज्यसभा सीट 11 है। अब हम बात करेंगे म्यूनसिपैलिटी की। म्यूनसिपैलिटी जो है कितनी है, म्यूनसिपैलिटी 98 है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रिजर्व शेड्यूल ट्राइब लोकसभा एरिया कितने हैं। शेड्यूल ट्राइब के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मांडला, बैतूल। ठीक है, इतनी जगह पे हैं। अब हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का जो लोकसभा एरिया है, ठीक है, वो 4 जगह पे हैं। कहाँ कहाँ, भिंड, उज्जैन, टीकमगढ़, देवास। ठीक है, देवास में आप कमेंट करके बताइए हमें, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, कभी भी MPSC का एग्ज़ाम दिया होगा तो इसके बारे में तो बिना इसको पढ़े काम ही नहीं बन सकता। तो देवास में कमेंट करके बताइए कि किस लिए फेमस है देवास। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट की बात करेंगे कितनी है, 231, जिसमें से 230 तो ठीक है, 230 सीट है और एक जो है निर्वाचित जो करते हैं। ठीक है, 80 की बात करेंगे तो कितनी सीट है, तो लोकसभा एरिया हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली की जब बात करेंगे तो उसमें SC के लिए 35 सीट रिजर्व है और ST के लिए 47 सीट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, नगर निगम कितने हैं। ठीक है, 16 है। म्यूनसिपल काउंसिल की जब बात करेंगे तो यानी कि नगर पंचायत, ये 264 नगर पंचायत है। ठीक है, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में, ठीक, दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और एक लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो तो भोपाल है आपका,
और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है इंदौर। ठीक, दो कैपिटल है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मध्य प्रदेश का संस्कार राजधानी पूछे, संस्कार राजधानी यानी संस्कार कल्चर कैपिटल, तब आप क्या कहेंगे? जबलपुर। ठीक है, इसका आंसर है जबलपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट है। टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक, जो लास्ट में ऐड किया गया है उसका नाम था निवाड़ी, सबसे लास्ट में जो ऐड किया गया 52 जो मतलब डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम था निवाड़ी, और जो 53 है वो नाम नागड़ा नाम है उसका, जो कि प्रस्तावित किया गया है कि इसको नाम रखा जाएगा। ठीक है, 53 डिस्ट्रिक्ट का। अब तहसील की बात करेंगे तो टोटल तहसील जो है वो 412 है, जो बढ़ के 412 हो गया है। ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स 313 हैं। ठीक है, टोटल विलेज कितने हैं? 54,903 विलेज। ठीक है, टोटल विलेज है, याद रखिएगा इसको, ये आंकड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब डिवीज़न ऑफ स्टेट, संभाग की बात करें तो 10 संभाग है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, एमपीपीएससी में ये और ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अपकमिंग एग्ज़ाम में। अच्छा, फिर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत कितने हैं, तो 23,006 ग्राम पंचायत है। ठीक है, हम देखेंगे कि एमपी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। ठीक है, तो पुलिस के महानिदेशक कौन है? आईपीएस विजय कुमार सिंह। ठीक है, होम मिनिस्टर कौन है स्टेट के? बाला बच्चन, श्री बाला बच्चन। ठीक है, पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 52, जिसमें से 3 रेलवे पुलिस अधीक्षक, जो कि 55 हो गए, तो कुल मिला के 55 है पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अगर बात करें कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट, सो 55 है। और पुलिस कंट्रोल रूम की बात करें तो 53 है। ठीक है, 53 कंट्रोल रूम है पुलिस के। और पुलिस स्टेशन की बात करें तो पुलिस स्टेशन जो है वो 1099 पुलिस स्टेशन है 2018 के आंकड़ा से के हिसाब से। ठीक है, पुलिस चौकी कितनी है? 579 पुलिस चौकी है स्टेट में। ठीक है, एमपी के टोटल जेल कितने हैं? 130। ठीक, जिसमें से सेंट्रल जेल जो है वो 11 है, एक छिंदवाड़ा में है, तो 11 प्लस 1 यानी 12, सेंट्रल जेल 12 है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 41 डिस्ट्रिक्ट में आपका जेल है एमपी के। ठीक है, ओपन जेल 5 है और बाकी जो बचा है वो आपका 130 मिलके पूरा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट तो ये हम फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि एमपी में एमपीपीएससी में स्टैटिक पोर्शन आ जाता है या फिर करंट अफेयर्स का ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, आपको बैलेंस लेके चलना है, दोनों साथ में लेके चलना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे करंट अफेयर्स भी और साथ साथ स्टैटिक भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, तो श्री उमंग सिंघार। ठीक है, फॉरेस्ट मिनिस्टर हो गए। चीफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर श्री एस के सप्रा। ठीक है, चीफ फॉरेस्ट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो श्री के सिंह। ठीक, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 94,689 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि 30.72% आता है। अगर हम 2017 के आंकड़े से देखें तो 25.11% इसका आंकड़ा आएगा, तो ये दोनों ही याद रखिएगा आपको। ठीक है, पर पर्सन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एरिया, पर पर्सन के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया कितना बचा है अगर देखा जाए तो 0.12 हेक्टेयर बस। ठीक है, इतना। फॉरेस्ट फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, पार्ट टू में आएगा इसका आगे का पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं कि सीएम कौन है मध्य प्रदेश का, शिवराज सिंह चौहान जी। इसके पहले कौन थे? कमलनाथ। ठीक है, जो कांग्रेस के थे। फिर इसके पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी थे। उसके बाद फिर यही आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। और स्पीकर देखें, अगर हम प्रोटेम स्पीकर देखें, लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल है, बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधान सभा का, तो वो कौन है? रामेश्वर शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन कौन है फाइनेंस कमीशन का? एन के सिंह। ठीक, याद रखिएगा इसको। और एमपी लोकायुक्त कौन है? एन के गुप्ता, जस्टिस एन के गुप्ता, रिटायर आईएएस हैं। ठीक है, एमपी लोकायुक्त, लोकायुक्त हैं वो, जस्टिस एन के गुप्ता हैं। ठीक है, उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें एमपी के, तो वो है टीएन श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट का। जो अगला पार्ट है वो पार्ट सेकंड में आएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आप तक हम जरूर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।